देखो दिल्ली वाले ने और भी महिला संगठन ने और भी कहीं से लिया है, मतलब इतनी लड़ाई जो उन्होंने मेरे लिए किया, तो आज मैं उनसे यही निवेदन करूंगी, सिर्फ एक सोनी सोरी के लिए नहीं, पूरे हमारे आदिवासियों के लिए, हमारे जो लोग आज नक्सलियों के केसों में हो, चाहे सरकार के बीच में लड़ाई के बीच में जो इस तरह से बीच में हो, क्या जेलों के अंदर में सबके लड़ना हो, तब मैं सबसे ज्यादा खुश है, ज्यादा करना चाहूंगी ये, क्योंकि मेरे को अपनी जेल में बोल के भेजा गया। आज तो आप अकेले नहीं, हम सबको निकलना है, उन सब लोगों से कही, हम सब संगठन वाले से कही, हमारे लिए भी लड़ाई लड़े, हमको भी बाहर निकालना है, हम कब तक यहाँ रहेंगे। तो यही मेरी निवेदन है और सबसे अपील करूंगी देशवासियों से, आज मेरे लिए तो बहुत खुशी है, खुशी उस दिन होगी मेरे जैसे वो आदिवासी भी वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और इस लड़ाई से बाहर आ जाएंगे, जो नक्सल और सरकार के बीच की लड़ाई से बाहर आके एक जिंदगी जीएंगे। आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरे महिला संगठन हो, अपने जो भाई लोग हैं जो मेरे लिए इतना किया, और ना होते तो आज मैं यहाँ जीवित हूँ, अपने परिवार अपने बच्चों के बीच में हूँ, वो शायद मैं नहीं रह पाती, आज मेरे पिताजी के पास हूँ, सब मेरा परिवार से मिला, इन बच्चों के पास हूँ, तो आज है ना बेटा नहीं? और सुप्रीम कोर्ट के तो और शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे हर समय मेरे लिए इतना किया, आज जिंदा हूँ तो है। और कुछ हद तक हिमांशु सर ने जो किए वो तो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, उन ऐसा गुरु देश में होना चाहिए, उनके जैसे गुरु होना बहुत जरूरी है।